कुंवर बासितली भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हूँ और कुंवर बासितली भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और आज लालगंज के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का कैंपेन चल रहा है उसके अंदर नए लोगों को मेंबरशिप कराने के लिए आया हूँ। सिर्फ अल्पसंख्यकों को या और नहीं, ले कोई भी सकता है क्योंकि मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष हूँ तो मेरी पहली प्राथमिकता जो है वो अल्पसंख्यक समाज है। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? विकास है, राष्ट्रवाद है और जो विकास इन 7 सालों के अंदर हुआ है, योगी जी के 4.5 साल के अंदर हुआ है, लोगों को तमाम योजनाओं में लाभ दिया गया है। जनता नहीं कह रही है, जनता तो 80 करोड़ लोग हैं पूरे देश के अंदर जिनको फ्री राशन मिल रहा है, 5.5 करोड़ अल्पसंख्यक हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है और आवास योजना के अंदर बड़ी तादाद के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिले हैं, किसानों को सम्मान निधि मिली है, सड़कें बनी हैं, एयरपोर्ट बने हैं, यूनिवर्सिटी बनी है और बड़ी तादाद में स्कॉलरशिप भी मिली है। तो यूनिवर्सिटी का शिलान्यास के लिए आपके मुख्यमंत्री जी आए थे जी और आदमगढ़ को आर्यमगढ़ बदलने के लिए कह रहे हैं, उस पर आप क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री ने कुछ कहा है तो कुछ सोचकर कहा होगा, लेकिन अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने के लिए, अल्पसंख्यक समाज को भागीदार दिलाने के लिए आजमगढ़ का नाम बदल कर आर्यमगढ़ रखने से विकास होगा? सांस्कृतिक विरासत और जो संस्कृति है, जो ऐतिहासिक और पौराणिक चीज़ें हैं, यदि उनके आधार पर कोई चीज़ तय होती है तो एक वो देश का गौरव है, क्षेत्र की पहचान है और उसी के तहत चीज़ें सामने आती हैं, तो ये रहा होगा कुछ ना कुछ। आप चुनावी मुद्दा कह रहे हैं विकास विकास, बार बार विकास की बात आ रही है, लेकिन आप जिस जगह बैठे हैं यहीं पर कई महीनों से नाला खुला है, आज तक कोई नहीं देखने आया, जहाँ पे बैठे हैं आप, बैठ के आप जहाँ बात कर रहे हैं। मुझे नहीं दिखा, आपने दिखाया नहीं मुझे, आपको नहीं दिखा तो, लेकिन आपके आदमी तो देख रहे हैं बार-बार। नहीं, मैं यहीं से आया हूँ और थोड़ी देर में ही यहाँ से आजमगढ़ से यहाँ तक पहुँचा हूँ, सड़कें अच्छी हैं, काम हुआ है और लोग खुश हैं। ये बताइए कि समाजवादी कह रहे हैं कि हम इस बार बहुमत से सरकार बनाएंगे, आपका क्या है? समाजवादी कह रहे हैं कि हम बहुमत से सरकार बनाएंगे, इसे आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी अगर कह रही है तो उनका ख्वाब है वो कहीं पूरा नहीं होगा, क्योंकि जनता ने तय कर लिया है कि योगी जी और भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में आएगी। ये किसान जो हमीरपुर में मारे गए लखीमपुर में और उनके आपके मंत्री अभी तक बर्खास्त नहीं किए गए, कांग्रेस इस पर मांग कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस तमाम गलत मांगे उठाती है और वो उसका जो खूनी पंजा है वो प्रदेश की शासन की व्यवस्था को छिलमिल करना चाहता है। जो जांच होनी है वो जांच चल रही है और कांग्रेस लगातार षड्यंत्र और षड्यंत्र के सहारे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। लैपटॉप का जो ऐलान हुआ है छात्रवृत्ति का, समाजवादी कह रही है कि सिर्फ लॉलीपॉप है चुनावी। असल में समाजवादी पार्टी ही लॉलीपॉप दिया करती थी तो क्योंकि वो आईना देख रहे हैं उनको ऐसा लगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कोई ऐलान करती है तो आज तक कोई ऐलान ऐसा नहीं है जो क्या हो और पूरा ना क्या हो तो हम पूरा करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में जो है अल्पसंख्यक बीजेपी के साथ रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे, अल्पसंख्यक समाज को योजनाओं के अंदर बड़ी भागीदारी मिली है, 39% की लगभग आप मुद्रा जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें हिस्सेदारी है, जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है उसके अंदर बड़ी तादाद अल्पसंख्यक समाज की है, उज्ज्वला योजना के अंदर 32% की हिस्सेदारी अल्पसंख्यक समाज की है, किसान सम्मान निधि में 22% है, जो शौचालय बने हैं उनमें 21% है। जब सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया, जब सरकार ने धर्म और मजहब देखकर कोई काम नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों को खुददार बनना चाहिए, गद्दार नहीं बनना चाहिए। और अब तो योजनाओं के अंदर नमक भी मिलने लगा है, राशन भी मिल, दाल चीनी सब मिल रहा है, तो सर अब नमक हलाल होना चाहिए। क्या एक व्यक्ति के 5 किलो राशन मिलने से एक व्यक्ति का 1 महीने का खर्चा चलेगा? आप लोग बेच रहे हैं, आप उसकी जानकारी सतह पर करिए। सरकार की कमी है, नहीं लोग नहीं लोग लेने के बाद राशन डीलर से और बेच रहे हैं, आप इस बात की जानकारी करिए। गरीब बेच रहे हैं कि अमीर बेच रहे हैं? सरकार 80 करोड़ लोगों को दे रही है और सरकार उनको दे रही है जो अपने आप को ऐसा ही बता रहे हैं, जो रिकॉर्ड के अंदर हैं, लेकिन बड़ा लोगों ने एक बड़ा जाल इस बात का बिछा लिया है, सरकार उस पर लगातार छापेमारी भी कर रही है।
सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कोई भूखा ना सोए, कोई भूख से ना मरे। इतनी बड़ी महामारी के अंदर एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के तहत हज़ारों लोगों को प्रत्येक वार्ड के अंदर और लाखों लोगों को प्रत्येक ज़िले के अंदर और पूरे देश के अंदर करोड़ों लोगों को सहायता, और इनकी जो षड्यंत्रकारी षड्यंत्रकारी साजिशें हैं उनको समझना चाहिए। CAA देश के लिए कानून है और उन लोगों के लिए कानून है जो एक नागरिकता के तहत आदमी जो बाहर से आया, पीड़ित है, शोषित है और यहाँ रह रहा है, उसके लिए है। ये किसी को निकालने के लिए नहीं है।